ठीक नहीं वेलकम टू अनअकैडमी कैसे हैं सब बच्चे यस हाय हाउ आर यू हेलो बच्चों हाउ आर यू आई होप दैट सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं सेफ हैं अपनी अपनी जगह पे एंड यस दे आर रेडी टू फिनिश आवर मूव फॉरवर्ड विद आवर दिस चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है बड़ा इंटरेस्टिंग बेसिक चैप्टर है जो पूरी बायो का बेस बनाता है दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है ना कौन था cell, ये आपकी बॉटनी जुअलॉजी पूरी बायोलॉजी का एक तरीके से बेस है तो हमने लास्ट की दो क्लासेस में क्या किया था पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था द सेल थ्योरी सेकंड क्लास जो कि कल हुई थी जो किसी वजह से प्राइवेट हो गई मैं फिर उसे लाइव करा दूंगी तुम टेंशन मत लो अभी के लिए मैंने आपके साथ नोट्स शेयर कर लिए थे आप नोट से पढ़िए कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द सेल आई होप आप लाइव क्लास अटेंड की होगी नहीं की तो बेटा नोट्स मैंने भेज दिए थे उसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ जो जो मैं बोलती हूँ आपने वहां से कर लिया होगा और अभी कुछ समय में एक दो दिनों में वो क्लास भी लाइव हो जाएगी डो नॉट वरी अबाउट दैट एंड आज बेटा जी हम करने वाले हैं इसका अगला भाग अगला हिस्से में हम डिस्कस करेंगे अबाउट यू में आगे जाकर सेल वॉल और अपने लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर करेंगे एंड देन कल से अपने ऑर्गेनली स्टार्ट करेंगे यस yes, बेटा ये पूरा कोर्स है 2023 और 2024 के लिए तो जो बच्चे 2023 वाले हैं वो तो इसको देखेंगे देखेंगे 2024 वालों के में भी तो आ रहा है इलेवेंथ का पोर्शन है ये मत कहना कि मैम कौन सी क्लास का है क्लास कौन सी है बेटा इलेवेंथ क्लास में एक यूनिट है सेल बायोलॉजी सेल बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर आता है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है फिर और फिर बायो बायो मॉलिक्यूल्स और सेल 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 डिवीजन है बट पर जो मैं मैं ऑर्डर रखूंगी पहले कराऊंगी कराऊंगी के बाद डायरेक्टली मॉलिक्यूल मैंने बहुत बारी करा रखा है आप मेरे लिंक ट्री से जाकर आराम से देख सकते हैं उस बायो मॉलिक्यूल को मैं ऐसा नहीं कह रही कि दोबारा नहीं होगा होगा लेकिन पहले हम वो यूनिट्स अच्छे से कवर करेंगे वो चैप्टर अच्छे से कवर करेंगे जो हमने पहले अच्छे से नहीं करे हैं ठीक है जी चलिए ओके उट प्रो क्रियोटिक सेल अब प्रो क्रियोटिक सेल और यू कैरियोटिक सेल में अंतर क्या है? है ना वो हमने लिख लिया था फिर हमने देखा कि यार यू क्रियोटिक सेल में बेसिकली हम किसकी बात करते हैं ज्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म की बात तो नहीं करते हैं हम लोग बात करते हैं किसकी प्लांट सेल और एनिमल सेल तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं बेटा प्लांट और एनिमल मैं आपको ना इसकी फोटो से दिखा देती हूँ मी शो यू द फोटो यस फोटो दिखाने बहुत जरूरी है बेटा हाँ जी तो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल क्या है ये जो स्ट्रक्चर है ये एनिमल सेल क्या कैसे पता चलता है दूर से देख के कैसे बता दोगे अरे ये तो प्लांट सेल है या फिर अरे ये तो एनिमल सेल है कैसे बताते बेटा दूर से देख कर अगर तुमने देख लिया सेंट्रल पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाई अ बिग 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 वैक्यूल तो यार ये ये जो वैक्यूल है इसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि एनिमल सेल नहीं है 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 ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल सेल प्लांट अब दूसरी जगह इस सेल को देखो तो ये बेसिक डिफरेंस है कि प्लांट सेल के पास बीच में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होगा एनिमल सेल के पास वैक्यूल ऐसे सेंटर में नहीं होता उसका सेंट्रल पोजिशन न्यूक्लियस लेता है दूसरा मेजर डिफरेंस क्या रहता है प्लांट सेल की जो शेप है वो बड़ी रिजिड होती है इसके बाहर क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है है ना प्लाजो मेम्ब्रेन के बाहर इसके सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन अगर यही एनिमल सेल को देखे बड़ा यू you नो know, Cool सी शेप है कि कहीं का भी शेप ले लेता है इतने रिजिड नहीं है बिकॉज इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी सेल वॉल इसके पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है बेटा जी क्या बचेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ये मैंने दो बेसिक डिफरेंस बताए बाकी मैं आपको लिखवाती हूँ लिखवाने के बाद हम दोबारा से इस डायग्राम को देखेंगे और फिर स्टडी करेंगे हां जी तो दो तरीके की यूक्रियोटिक सेल के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों एक है अपने पास एनिमल का सेल ठीक है जी दूसरा अपने पास क्या है का सेल एनिमल सेल एंड प्लांट का सेल है ना? यही दो है. सबसे पहले बेटा बात करते हैं की किसके पास पास है? है। के cell wall नहीं होती है, तभी इसका सेल रिजिड नहीं है एनिमल सेल फट जाता है इट लेकिन प्लांट सेल फटता नहीं है जल्दी प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ठीक है यहाँ पे अपने पास सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है <coughs> नेक्स्ट आता है है प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस भी तो करता अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है तो इसके पास वैसी ऑर्गेनली प्रेजेंट है जिसमें हम बोल सकते हैं प्लास्टिड प्लास्टिड अ टाइप ऑफ इज क्लोरोप्लास्ट ठीक है तो एनिमल सेल के पास ये सब आइटम नहीं होता है तभी ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते प्लांट सेल के पास प्लास्टिक जो है वो होती है ठीक है जी नेक्स्ट आपके पास आता है वैक्यूल जो आपको दिखाया था अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल का वैक्यूल बड़ा ही स्मॉल होता है ना लार्ज वैक्यूल इज नॉट प्रेजेंट सो हेयर स्मॉल वेसिकल्स आर प्रेजेंट सेंटर में तो वैसे ही नहीं होता यहाँ पे लार्ज बड़ा सा सेंटर सेंट्रल वैक्यूल जो बेटा इसका पहचान है जैसे कुछ घरों की पहचान नहीं होती अरे उस घर पे ना वो पिजन वाली टैंकी बनी हुई है टंकी है ना जिसमें पानी भरते हैं ऊपर तो आज के टाइम पे तो जो टंकी है वो ब्लैक वाली होती है बट पहले के टाइम पे बड़ी अजीबों गरीब टंकियां बनती थी आपने भी अपने घरों में शायद देखा होगा आसपास अपने शहर में कभी फुटबॉल बना हुआ है एरोप्लेन बना हुआ है पिजन बना हुआ है तो पहचान बन जाता है उस घर की कि इनके ऊपर ना फुटबॉल वाली है इनके ऊपर कौन सी है एरोप्लेन वाली है इनके ऊपर कौन सी है ये आ, क्या कहते हैं पिजन वाली है तो वैसे ही बेटा ये प्लांट सेल की पहचान किया जैसे खोल के, के देखा अरे सेंटर में वैक्यूल है प्लांट सेल चलो जी क्या है ये प्लांट सेल है ठीक है जी चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट आता है बेटा डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द रिजर्व फूड ठीक है प्लांट के केस में रिजर्व फूड क्या होता है स्टार्च होता है ये हमें पता है एनिमल के गेस में रिजर्व फूड क्या होता है बेटा जी ग्लाइकोजन होता है ठीक है जी नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वन जिसका नाम है सेंट्रियोलट्रियोल एक है लेकिन होते हुए भी में नहीं है होते हुए भी ये किस में प्रेजेंट है एनिमल सेल में प्रेजेंट है बट प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती है ठीक है जी अगर बात करें बेटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स की गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बेटा एनिमल सेल के पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स है कैसा है कॉम्प्लेक्स है प्लांट के पास जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल होता है और उसको अपने लोग क्या बोलते हैं डिक्टोम्स यस इन प्लांट्स द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड सेपरेट नेम क्या बोला जाता है बेटा इसको डिक्टोसोम्स ठीक है हां जी बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया अतुल आयुषी एंड मानसी गुप्ता मैंने स्टार्टिंग में बता दिया ड्यू टू सम रीजन उसको हमें प्राइवेट करना पड़ा उसमें थोड़ी सी एडिटिंग चल रही है तो जब वो हो जाएगी एक दो दिन में उसको फिर से पब्लिक करा दूंगी नोट्स तो आपको मिल ही चुके हैं टेलीग्राम पे तो कोई ऐसा लोड लेने वाली बात नहीं है ठीक है जी तो वो मैं पब्लिक करा दूंगी एक दो दिन उसमें लग सकते हैं मुझे बट अभी के लिए जो कर रहे हैं वो करें या ना करें उसी की याद में रोते रहे अरे लेक्चर टू कहाँ गया लेक्चर टू कहाँ गया बेटा आ जाएगा वापस <coughs> है ना आ जाएगा निशांत वापस ठीक है यस yes, आ जाएगा ओके okay जी तो प्लांट और एनिमल सेल में अंतर पता चल गया अब एक बारी देख लो स्ट्रक्चर फटाफट से जो हमने बात की ये स्ट्रक्चर देख लो सबसे पहले बेटा सेल के अंदर प्लांट सेल की पहचान क्या वही वाली टंकी एरोप्लेन वाली टंकी ठीक है जी तो ये अपना वैक्यूल है सेंट्रल वैक्यूल सैब वैक्यूल ये इसका न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा देन बेटा इसके जो गोल्जी है गोल्जी को क्या नाम दिया था अपने ने गोल्जी को नाम दिया था यहां पर डिक्टोसोम ठीक है है जी देन इसके पास क्या प्रेजेंट न्यूक्लियस का एनवेलप दोनों में ही होता है मेम्ब्रेन दोनों में है ऐसा सिर्फ इसमें ही है बड़ा सा मिडल सिर्फ प्लांट में ही है सेल वॉल सिर्फ प्लांट में ही है माइट्रोकॉन्ड्रियन दोनों में है राइबोसोम भी दोनों में है क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट के अंदर होगा प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड साइटोप्लाज्म पर ऑक्सीजोम माइक्रोटिब्यूल्स आगे डिटेल में करेंगे बेटा प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शंस भी सिर्फ प्लांट सेल का ही कंपोनेंट है बाकी ये सब चीजें दोनों में होती है अब एक बार ये एनिमल सेल देख लो भैया सेंट्रली न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास क्या होगा ईआर ER, ईआर ER के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे राइबोसोम एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेशन के लिए लाइसोसोम सेंट्रियोल याद रखेंगे सिर्फ एनिमल सेल के पास होता है सिर्फ एनिमल सेल प्लांट के पास नहीं होता देन बेटा यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर यही एनिमल सेल है जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई में क्या बनाती है माइक्रोवेल बनाती है आपने देखा है इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास जो सेल्स है उनको अपने लोग बोलते हैं एंटेरोसाइट यस सच सेल्स बेटा जी दे आर कॉल्ड एज एंटेरोसाइट्स अभी एंटेरोसाइट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से फिंगर लाइक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दे रही है जिसको अपने लोग बोलते हैं माइक्रोवेल्लाय क्यों दे रही है क्योंकि अपने को सरफेस एरिया इंक्रीज क्यों इंक्रीज करना है क्योंकि इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इसीलिए हमने इस पे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रश बॉर्डर लाइक बना दिया है ना ब्रश बॉर्डर लाइक बना दिया ओके देन बेटा बाकी सब चीजें कॉमन है अपने प्लांट सेल से यस yes. चलिए समझ आया डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत तो नहीं है ना सारे डायग्राम के मैंने बता दिए अब इनका इंडिविजुअल फंक्शन इनका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आने वाले चैप्टर में आएगा यानी कि इसी चैप्टर के अगले वाले हिस्सों में ये चीज आपकी आएगी ओके जी इसको क्या हो गया हाँ चलिए आगे चलते हैं सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं अपने लोग आज सेल वॉल शुरू करें बेटा जी प्लांट सेल के पास जो एक वॉल प्रेजेंट है इसको अपने लोग क्या बोलते हैं सेल वॉल एक बारी बेटा तुमने आज सेशन को ना लाइक नहीं किया आज मैं भूल गई तुम्हें बताना तो फटाफट से अपने सिंस यहां तक पहुंच चुके हैं सेल वॉल को प्रारंभ कर रहे हैं तो एक बारी सेशन को लाइक कर दो हाँ फटाफट से मेरी पानी की बॉटल भी बाहर रह गई है ओहो एनी वे फटाफट से लाइक कर दो यार कमन 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 फास्टली 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 अब सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल की प्रॉपर्टी तो है नहीं हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यानी कि आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा होगा सेल वॉल तो डायटम्स के पास भी है डायनोफ्लेजिलेट्स के पास भी है सेल वॉल बेटा एल्गी यानी कि अगेन प्लांट किंगडम उनके पास भी है प्रॉपर प्लांट सेल के पास भी है अब हर एक ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल डिफरेंट मटेरियल से बनती है डिफरेंट केमिकल से बनती है हम केमिकल तो सबका लिखेंगे लेकिन जो स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, का देखेंगे. जी? तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा कि लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि डाय एटम्स जैसे कि बेटा जी डाईटम्स इनके पास भी सेल वॉल है, है कि नहीं है डायनोफ्लाजुलेट्स यस डाइनोफ्लैजिलेट्स इनके पास भी सेल वॉल है अब मटेरियल अलग अलग है जैसे अपने ने पढ़ा था कि डाइनोफ्लैजिलेट्स डाइटम्स की जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी होती है दैट है क्या है सिलिशियस है जो डाइनोफ्लैजिलेट्स की सेल वॉल है वो किससे बनती है सेल्यूलोस से बनती है और साथ में क्या जुड़े होते हैं पेक्टिल्स जुड़े होते हैं सेल्युलोस से बनती है बेटा और साथ में क्या जुड़े होते हैं पेक्टेंस जुड़े होते हैं तो ये लोर ऑर्गेनिज्म फिर कौन आया फिर आया बेटा फंजाई फंजाई को तो हम अच्छे से जानते हैं पंजाय की सेल वॉल किससे बनती है काइटिन एंड काइटिन इज अ होमोपॉलीमर बताएंगे किसका होमोपॉलीमर है जिसने बायो मेरे से पढ़ा है यार इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को बेटा एक बार एनसीआरटी ने भी गलत लिख दिया था फिर एनसीआरटी की नेक्स्ट जो पब्लिशिंग आई उसमें उसको ठीक किया गया तो काइटिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ काइटिन इज अ होमो पॉलीमर ऑफ किसका एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ना यार किसका एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का क्या है ये होमोपॉलीमर है ठीक है जी अब फिर आया कौन आया एलगी आई एलगी भी प्लांट किंगडम का ही पार्ट है बट एलगी की सेल वॉल किससे बनती है अगेन प्लांट किंगडम का पार्ट है तो सेल्यूलोज होगा गैलेक्टन्स होंगे याद रखेंगे गैलेक्टन्स होंगे शुगर्स हैं गैलेक्टन्स एंड मैनन्स ये डेटा है दिस डेटा यू हैव टू लर्न बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ एनसीआर किसका पार्ट है बेटा एनसीआरटी का पार्ट है फिर कौन आए अपने प्रॉपर प्लांट सेल आ गए प्लांट <laughs> सेल की भी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से तो बनती है लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ क्या प्रेजेंट हैल्यूलोज भी है दिस इज ऑल्सो शुगर क्या प्रेजेंट हैलुलस भी है पैक्टिन भी है और क्या प्रेजेंट है कुछ प्रो, कुछ प्रोटीन्स भी है क्या है बेटा प्रोटीन्स भी अब भी अभी इसको लर्न करो यस एवरी वन विल लर्न ऑल द डिटेल ऑल द फिगर्स फैक्ट इन माई क्लास ओनली अपनी क्लास का फंडा है इसके बाद होमवर्क में सिर्फ तुम्हें रीड करना लर्न नहीं करना लर्न तुम करके जाओगे ताकि तुम्हारा होमवर्क सिर्फ बीस पच्चीस

फंगल सेल्यूलोज की जो काम प्लांट में सेल्यूलोज का है वही काम फंजाई में काइटिन का है तो ये फंजाई का एक तरीके से ना सेल्यूलोस हो गया फंगल सेल्यूलोज हो गया है ना बोल सकते हैं इसको कि नहीं बोल सकते ठीक है जी चलिए अब सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का हिस्सा है और बड़ा ही रिजिड हिस्सा है इफ आई टॉक अबाउट द वॉल नेचर कि भैया इसकी नेचर कैसी बड़ी रिजिड है बेटा बहुत ही सख्त है ठीक है सख्त के साथ साथ हम कहते हैं सख्त आदमी है यार इसका दिल ना पत्थर का बना हुआ है बड़ा स्टोन हार्टेड है डेड है ये इंसान दिखने में जिंदा पर डेड है तो सेम वे बेटा ये सख्त तो है इसीलिए ये डेड है सख्त है बड़ी कोई इमोशंस नहीं है इसके अंदर ठीक है बहुत रिजिड और डेड स्ट्रक्चर है ठीक है जी अगर ये रिजिड है जैसे हमारी दीवारें रिजिड है यार अपना घर रिजिड क्यों है क्योंकि बेटा ये अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है अपने अपने घर को शेप दे रहा है सिंस इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर दैट इज व्हाई बेटा इट गिव्स शेप टू द सेल है कि नहीं इसी वजह से ये सेल को शेप देता है है ना शेप देगा स्ट्रक्चर देगा इट विल गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल ठीक है जी इट विल गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल ओके अब ये बेटा सख्त तो है लेकिन तुम्हें तो नारियल के बारे में पता है नारियल बाहर से तो सख्त होता है बट अंदर से क्या पानी निकल रहा है तो ये भी ऐसा ही है बेटा बाहर से सख्त है लेकिन सबको आने जाने देगा इट इज अ कंप्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन कंप्लीटली परमिएबल है बेटा सबको आने देगी इसको कोई दिक्कत नहीं है कोई अंदर आए कोई बाहर आए कोई प्रॉब्लम नहीं है शेप तो दे रहा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे रहा है लेकिन ये कंप्लीटली परमिएबल है सो इट इज गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है जैसे अगर मैं फंक्शन की बात करूं यार मैकेनिकल स्ट्रेंथ है पैथोजन से बचाएगा प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैथोजन ठीक है जी सेल वॉल सबकी अलग अलग चीजों से बनी हुई मैंने तो बता बता दिया यहां पे बेटा पेप्टीडोग्लाइ उसकी भी ऐड कर लो बैक्टीरिया की कल लिखी थी वैसे हमने बैक्टीरिया का भी ऐड कर लीजिए पेप्टीडोग्लाइकन ठीक है कल हमने लिखे थे कौन से है और कौन से पेप्टाइड है हाँ, कितना याद है तुमको यस बता दो बता दो बता दो ग्लाइकंस बता दो नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा यार <laughs> हम्म हम्म कल कराया था नोट्स तो पढ़ाए थे है ना लाइव क्लास तो अटेंड की थी इतना तो डिफिकल्ट नहीं था याद करना यस बताइए बताओ तो हाँ जी बिल्कुल सही है जिन बच्चों को आ रहा है वेरी नाइस वेरी नाइस बच्चों दो ग्लाइक बताए थे एक तो सामने फोटो में यहाँ पे सामने स्लाइड पे लिखा भी हुआ है यस कौन से थे म्यूरियन के ग्लाइकंस एक तो यहाँ लिखा हुआ है एक तो नाग था और दूसरा कौन था बेटा नाम था नैग एंड नैम N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरा एसिड एन एसिटाइल म्यूरा एसिड ठीक है बेटा अब बेटा जो अपना प्लांट सेल है मान लो बेटा ये प्लांट सेल है yes. ठीक है प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल है बाहर और ये अंदर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही कलर यूज करूंगी तो उस कलर को बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्या है सेल वॉल जब भी इस प्लांट सेल ने डिवाइड होना होता है ध्यान से सुनो ये सेल डिवीजन का पार्ट है वैसे थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस थो जब ये करता है तो सबसे पहले ये सेल वॉल का एक हिस्सा बनाता है जिसको अपने लोग बोलते हैं सीमेंट टाइप का हिस्सा बनाएगा जिसको अपने लोग बोलते हैं सेल प्लेट या फिर सेल प्लेट किससे बना होता है मिडल लैमिला से बना होता है चलो मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ तुम्हें ये एक प्लांट सेल है ये दूसरा प्लांट सेल है ये दूसरा प्लांट सेल है ये दूसरे प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ठीक है सेल वन सेल टू अब दोनों सेल के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर है बेटा जी ये सीमेंट की तरह लेयर काम करती है इस सीमेंटिंग लेयर को अपने लोग क्या बोलते हैं मिडल लैमिला बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा जी मिडल लैमेला बोलते हैं तो मिडिल के राइट साइड पे देखोगे तो भी सेल वॉल है लेफ्ट साइड साइड पे इधर वाली देखोगे तो भी सेल वॉल है ठीक है जी ये जो सेल वॉल तुम्हें दिखाई दे रही है ये स्पेशली अपने ने सिंथेसाइज कराई है स्पेशली सिंथेसाइज कराई है तो जब स्पेशली हम किसी चीज को सिंथेसाइज कराते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से बनी हुई थी उसके ऊपर अपने ने सामान जोड़ दिया नहीं इट इज फ्रेशली सिंथिसाइज इट इज अ परमिएबल स्ट्रक्चर and this wall is called as primary wall yes is wall ko apne log kya bolenge primary wall primary ko main aise likh dun yes can i call this as primary wall freshly synthesized karaiye permeable hai elastic hai jiski wajah se cell expand kar sakta hai to bhaiya middle lamella को touch करती हुई ये is plant cell की primary wall है. middle lamella को touch करती हुई ये is plant cell की क्या है? प्राइमरी वॉल है दोनों का प्राइमरी वॉल है अब अगर मुझे कुछ और वॉल ऐड करनी है मान लो सेल बड़ा हो रहा है देखो अगर तो मेरी सेल है उसके पास यही है बस यही है अगर धीरे धीरे सेल नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है डिफरेंसिएशन की स्टेज में जा रहा है इलांगेशन की स्टेज में जा रहा है तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में भी सामान ऐड होता है यहाँ पे देख लो यहाँ पे हम और वॉल्स भी ऐड कर सकते हैं तो प्राइमरी के अंदर अगर एक और ऐड करोगे ऐसे तो वो बन जाएगी सेकेंडरी वॉल इधर भी क्या बन जाएगी सेकेंडरी वॉल तुम चाहो तो एक और भी एड कर सकते हो एक और कर तो एड करना है प्राइमरी वॉल और प्लाजो मेम्ब्रेन के बीच में ठीक है जी सेकेंडरी वॉल ऐड कर लो और सेकेंडरी से आगे अगर सेल और बड़ा होता जा रहा है डिफरेंशिएट इलांगेट होता जा रहा है तो आप आगे क्या ऐड कर सकते हो टर्शरी वॉल भी ऐड कर सकते हैं ठीक है जी तो सेकेंडरी वॉल इज ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल ये चीज याद रखेंगे ठीक है मैं अंदर की साइड पे बना रही हूं ये रही आपकी सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड जरूरत पड़ी बेटा अगर एक और वॉल हमें यहां पर बनाना रहा तो इसके भी अंदर वाली साइड हम क्या बनाएंगे टर्शरी वॉल ठीक है बेटा तो ये हो जाएगी तुम्हारी टर्शरी वॉल जो ग्रीन वाली हमने यहां पर लिखी है ये क्या है आपकी सेकेंडरी वॉल तो सीन कैसा है सीन ऐसा है कि मान लो ये बीच में क्या है मिडल लैमिला है लैमिला के एक साइड पे प्राइमरी वॉल एक सेल की ये देखिए प्राइमरी वॉल ये इधर वाले की प्राइमरी वॉल ठीक है देन अंदर अगर जरूरत पड़ी तो ये सेकेंडरी वॉल ये सेकेंडरी वॉल और जरूरत पड़ी तो बेटा ये वाली आ जाएगी तुम्हारी टर्सरी वॉल गॉट माई पॉइंट और नॉट यस बेटा आपको स्ट्रक्चर समझ आया या नहीं आया यानी कि जो भी सामान मुझे ऐड करना है तो वो मुझे प्राइमरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ही करना है इसी के बीच में तुम सेकेंडरी टर्शरी का सामान ऐड करोगे अदरवाइज नहीं करोगे जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी और टर्शरी होगा ही होगा कुछ सेल ऐसे जिसमें अकेला प्राइमरी होता है ठीक है जी अगर सेल बड़ा हो रहा है डिफ्रेंशियट हो रहा है तो उसमें सेकेंडरी भी ऐड कर दोगे यस पता चला तो ब्लू वाली प्राइमरी है ये सेकेंडरी है और ये क्या है टर्सरी और ये आपके पास क्या प्रेजेंट है मिडल लामिला प्रेजेंट है तो मैं हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख पाऊंगी ठीक है जी तो लेट मी राइट अबाउट फर्स्ट अबाउट मिडल लामेला मिडल लामेला सबसे पहले बेटा ये दो सेल को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है तो इसको बोलेंगे इट इज सीमेंटिंग लेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये किससे बनता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से बनता है ठीक है जी अब ये वो देखो पेक्टेट एक वो स्ट्रक्चर है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट जो एक प्लांट को या मैं बोलूँ किसी एक फ्रूट को वेजिटेबल को सख्त रखता है यार जब फ्रेश फ्रूट आते हैं फ्रेश टोमेटो आता है फ्रेश कोई खीरा वगैरह कुछ भी आ रहा है तो स्टार्टिंग में वो चीज़ क्या होती है थोड़ी सख्त होती है लेकिन अगर तुम उसे बड़ी देर महीने से फ्रिज में पड़ा ही है खाना ही भूल गए हैं बाहर से रोज खा रहे हैं तो यार फ्रिज में बड़ी बड़ी सॉफ्ट सी हो जाएगी वो सॉफ्ट क्यों हो रहा है क्योंकि पेक्टेट की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है तो फ्रूट को रिजिड रखने का काम कौन कर रहा है फ्रूट को रिजिड रखने का काम कौन कर रहा है बेटा आपका पेक्टेट कई बार ही ना हमें फ्रूट को पकाना भी पड़ता है किसी वेजिटेबल को पकाना पड़ता है तो आप पेक्टेट को तोड़ना शुरू कर दो पेक्टिनेज ले आओ तो वो चीज क्या हो जाएगी पकने लग जाएगी धीरे धीरे पकने लग जाएगी तो फ्रूट की रिजिडिटी फ्रूट को रिजिड कौन रखता है मेंटेन्ड बाय मेंटेन्ड बाय पेक्टेट, ठीक है फ्रूट को रिजिड कौन रखेगा बेटा आपका पेक्टेट रखेगा ये कंप्लीटली परमिएबल है कोई दिक्कत नहीं है इसको भी दिस इज आल्सो कंप्लीटली परमिएबल ठीक है जी तो मिडल लामिला के बारे में सबको चीज क्लियर हुई इट इज अमेंटिंग लेयर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेड रिजिड रखने के लिए ये होता है सॉफ्ट करना है तो का ट्रीटमेंट दे दो ये चीज हो जाएंगी और वो वो चीज चीज क्या हो 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 जाएगी जाएगी आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट भी वो चीज़ हो जाती ये हो जाता है 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 बिकॉज ये जाता ठीक अब मिडिल के अंदर वाली साइड क्या है ये व्हाइट वाला ये व्हाइट वाला क्या है बेटा प्राइमरी वॉल क्या है बेटा ये आपकी प्राइमरी वॉल आ जाओ उसी कलर से लिखते हैं है ना बच्चों ये क्या है प्राइमरी वॉल ठीक है जी अब प्राइमरी वॉल मैंने बताया फ्रेशली सिंथेसाइज होती है पहले से बनी हुई नहीं होती ऐसे नहीं कि पहले एक चीज बनी हुई थी उसके ऊपर जोड़ रहे नहीं इट इज अ फ्रेशली सिंथेसाइज स्ट्रक्चर यस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फ्रेशली सिंथेसाइज होगी ठीक है न्यू मटेरियल इसके लिए आते हैं इसको सिंथेसाइज करने के लिए अब ये प्राइमरी वॉल भी क्या है प्रॉपरली पर है? है. भी क्या है बेटा इलास्टिक है इलास्टिक है तो यारे इनिशियल स्टेज में बड़ा हो रहा है ग्रो कर रहा है तो प्राइमरी बॉल की मदद से इसका साइज बढ़ जाएगा इट इज इलास्टिक इट कैन एक्सपैंड एंड इट विल हेल्प द प्लांट टू ग्रो प्लांट सेल टू ग्रो ठीक है सेल को ग्रो करने में हेल्प करेगी ओके जी अब धीरे धीरे जब सेल बड़ा हो रहा है ये तो यार ग्रोइंग स्टेज हो गई अब जब सेल डिफ्रेंट करना स्टार्ट करेगा तो प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाएगी और उसकी जगह कौन ले लेगा आगे सेकेंडरी वॉल ले लेगा सो इट विल स्टार्ट डिमिनिशिंग डिमिनिश ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग डिफ्रेंसिएशन अब बेटा कुछ सेल ऐसे हैं जो बेचारे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है जिनको ग्रोथ चाहिए बड़ी बड़ी ग्रो कर रहे कर रहे कर रहे हैं मेरिस्टमैटिक सेल पेरनकाइमेटस सेल उनके पास सिर्फ प्राइमरी होती है सेकेंडरी होती नहीं है। सो देर आर सर्टेन सेल्स जिनके पास सिर्फ प्राइमरी वॉल है और वो सेल्स कौन से हैं आपके मेरिस्टमैटिक सेल मेरिस्टमैटिक सेल एंड पैरनकाइमेटस सेल ठीक है बेटा लिखते जाओ दे हैव ओनली प्राइमरी वॉल याद रखना ओनली प्राइमरी वॉल ही प्रस्तुत होती है तो मिडल लेवल और प्राइमरी वॉल के बारे में स्ट्रक्चर समझ आया सबको पता चल गया कि एक तो प्राइमरी वॉल फ्रेशली सिंथेसाइज होती है दूसरे बेटा प्राइमरी वॉल के बारे में क्या खास बात है 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 परमिएबल कर सकती है, सेल को ग्रो करने में हेल्प करेगी तीसरी चीज बेटा प्राइमरी अगर सेल डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो प्राइमरी गायब हो जाएगी धीरे धीरे करके और कुछ सेल ऐसे हैं जो डिफरेंशिएट नहीं करते जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं जैसे मेरिस्टोमैटिक सेल उनके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी प्राइमरी अब बेटा जैसे जैसे सेल आगे बढ़ रहा है है ना सेल इलागेशन की फेज में आ रहा है डिफ्रेंसियेशन की फेज में आ रहा है तो एक और वॉल इसके ऊपर बन रही है अंदर की साइड अंदर की साइड मतलब ये अगर सेल है ब्लू कलर का तो अंदर की साइड ग्रीन कलर से देखो अंदर की साइड पर क्या बन रही है आपकी सेकेंडरी वॉल बन रही है सो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी वॉल ठीक है जी बेटा हर चीज की डिटेल आपको मिलेगी गुजर मुजर डायग्राम के पास नहीं करना डायग्राम शुड बी वेरी वेरी क्लियर ठीक है ये कैसे बनती है एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल फ्रेश नहीं सिंथेसाइज होती प्राइमरी के ऊपर ही material सजा देते हैं ऑफ मटीरियल ऑन एग्जिस्टिंग वॉल वॉल एग्जिस्टिंग कब बनती है बेटा जब सेल इलोंगेशन के फेज में होता है है ना इलोंगेशन फेज इलोंगेशन फेज डिफ्रेंसिएशन के फेज में डिफ्रेंसियन डिफरेंसिएशन फेज में होता है ठीक है जी यस yes. किसकी बनेगी लिग्निन क्यूटिन लिग्निन क्यूटिन ठीक है सेम वे सेम वे आगे इसके और क्या आ जाएगा टर्शरी वॉल वो भी बन सकती है जरूरी नहीं है कि नहीं बनेगी बट इट कैन बी फॉर्म ये भी स्यूबरिन लिगनिन और क्यूटिन के मटेरियल से बनेगी ठीक है कुछ भी डिपॉजिट करना है ना बेसिकली तुम्हें तो प्राइमरी के अंदर ही करना है ये तुम्हें याद रखना है कि अगर मुझे सेकेंडरी भी लगानी इट इज नॉट परमीएबल ये जो दोनों है ना बेटा दीज आर नॉट हां जी तो अगर बेटा प्राइमरी वॉल अपनी परमीएबल है ध्यान दो सब बच्चे इस डायग्राम को ध्यान देंगे फोकस करो यस yes, फोकस करना आता है ना तुम्हें यस yes, फोकस कर लो अब यार ये जो प्राइमरी वॉल है ये तो परमिएबल है कोई दिक्कत नहीं है मिडल भी है ये भी परमिएबल है लेकिन ये जो सेकेंडरी और टर्शरी वॉल है ये दोनों दे आर नॉट परमिएबल तो क्या किया जाए बीच में हमें कुछ छेद बनाने पड़ेंगे जहां पर ये वॉल एबसेंट है यानी कि हमें किसकी जरूरत है यस yes, यानी कि बेटा अपने को किसकी जरूरत है हमें छोटे छोटे पिट्स की जरूरत है देख रहे हो

है। इन छेद को क्या बोलते हैं इन कनेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा ठीक है जी तो अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को जरूरत पड़ी है यहां पर पिट्स की क्लियर बता दो सब बच्चे सेल वॉल के बारे में क्या सेल वॉल के बारे में ये बातें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई सो पिट्स आर द कनेक्शन इन द डेड सेल डेड वॉल के बीच के कनेक्शन को अपने लोग क्या बोलते हैं पिट बोलते हैं कुछ लिविंग कनेक्शन भी है डेड वॉल में दो कनेक्शनो टेस्टा यस, ये मैं थोड़ी देर में वैसे बताने वाली थी बट मैं लिख देती हूं जो लिविंग कनेक्शन है लिविंग कनेक्शन इन डेड वॉल दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मो डेस्मेटा यस लिविंग कनेक्शन इन डेड वॉल दे आर कॉल्ड अस प्लास्मोडेस्मेटा हाँ जी क्या दिक्कत हो गई ये ना हमारे क्लास में knock knock गाइस की कमी नहीं है बारी-बारी knock knock नाइ गाइस knock knock गाइस knock knock गाइस खुशी ठाकुर तुम टाइम पे आती ना तो तुम्हें तुम्हें यू नो

क्या कहते हैं कल का लेक्चर है उसको थोड़ा समय लगेगा पब्लिक होने में तो इसीलिए आप नोट्स से पढ़ लीजिए नोट्स तो मैंने आप पे आप, आप आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर ही दिए थी है ठीक है तो वहां से ले लेना आज के भी दो मिल जाएंगे राइट तो चलो लिविंग कनेक्शन की मैं बात कर लू लिविंग कनेक्शन मान लो बेटा ये अपना प्लाज्मा ड्रेस मेटा बना के दिखा देती हूँ दिस इज द प्राइमरी वॉल ठीक है ये क्या है अपनी प्राइमरी वॉल है सेल वॉल है ठीक है जी यस लिविंग कनेक्शन बना रहे हैं क्या बना रहे हैं बेटा जी लिविंग कनेक्शन ओके अंदर के साइड पे क्या प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन येलो कलर से बना दे ये बेटा अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन गई ठीक है सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब बेटा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड तो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म में यहां पर क्या प्रेजेंट होगा आप याद करो ये क्या है आपका न्यूक्लियस है ठीक है न्यूक्लियस से क्या शुरू होता है न्यूक्लियस से शुरू होता है ईआर तो यार इस प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू एक्चुअली दिस इज द कनेक्शन ऑफ द ईआर यस ये ईआर का कनेक्शन है ये देखो ये सांप की तरह बेटा क्या आ रहा है दिस इज द कनेक्शन ऑफ द ईआर यस So, जब दो सेल का देखो ये एक सेल है ये आदमी लग रहा है वैसे तुम्हें ये एक सेल है ये दूसरा सेल है जब दोनों सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड हो जिसकी मदद से यहां का प्रोटोप्लाज्म इसके प्रोटोप्लाज्म के कांटेक्ट में हो तो इस कनेक्शन को किस कनेक्शन को बेटा इस जंक्शन को तुम क्या बोलते हो दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज प्लाज्मो डेस्मेटा ठीक है तो लिविंग कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ कि दोनों सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में कनेक्टेड है तो प्रोटोप्लाज्म दोनों का कनेक्टेड है तो ये जो ईआर ER आर की चैनल बन रहा है एक तरीके से लिंक बन रहा है ईआर ER आर का वो कंपोनेंट जो इस प्लाज्मो डेस्मेटा के बीच में आ रहा है दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज डेस्मो टिब्यूल हां जी क्या बोलेंगे इसको ग्रीन से लेबल कर देते हैं यस दिस इज कॉल्ड एज डेस्मो टिब्यूल ठीक है जी यस yes. क्लियर हुआ सबको तो मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पर एक तो डेड कनेक्शन जिसका क्या नाम था पिट्स और यहाँ पर आ गए आपके लिविंग कनेक्शन जिसका नाम है प्लाज्मो जिसमें दोनों सेल का प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ा हुआ है इनफैक्ट ER दोनों सेल का कनेक्टेड है एक्सचेंज हो सकता है यहाँ से एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मो डेस्मेटा एंड विद दिस वी आर डन विद द सेल वॉल एक बारी सेल वॉल देख ले क्या बोलती है हमारी एनसीईआरटी टी हां जी क्या क्या हमने देख लिया ध्यान दो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर रिजिड स्ट्रक्चर आउटर कवरिंग बनाता है शेप देता है लिख लिया मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है इन्फेक्शन से बचाता है सेल टू सेल इंटरक्शन फालतू की चीजों को अंदर नहीं आने देगा अब किसकी सेल वॉल किससे बनी होती है एल्गी की सेल्यूलोर्स गैलेक्टेंस मैनंस ठीक है सीओ सीओ थ्री भी ऐड कर लो भाई कुछ भी मिस नहीं करना हमने ठीक है सीओ सीओ थ्री भी ऐड कर लो कैल्शियम कार्बोनेट एल्गी के अंदर क्या ऐड कर लीजिए बेटा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस

होगा और फिर उसके ऊपर क्या बनने लगेगी सेकेंडरी वॉल किस में ऑन दी इनर साइड ऑफ द प्राइमरी प्राइमरी के अंदर वाली साइड ठीक है बनेगी आपकी सेकेंडरी वॉल बीच का बेटा हमने क्या डिस्कस किया मिडल लैमेला जो कि मिडल लैमेला क्या है एक तरीके का सीमेंटिंग लेयर है ठीक है जी पैक्टेट का बना होता है नेबरिंग सेल को जोड़ के रखता है

बट इनको जरूरी ये जानना है कि सिलेबस कब खत्म होगा बेटा रोज आके हर रोज मुझे एक बच्चा यही पूछता है आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है हाँ सच में तुम्हारा सिलेबस तो कंप्लीट है और क्या चला दोगे और क्या चाहिए तुम्हें सिलेबस तो कंप्लीट है कहाँ जाके देखोगे लिंक ट्री पे लिंक टी आर डॉट डबल ई स्लैश डॉट पहुजा या फिर गूगल पे सिंपली लिंक ट्री डालिए आपको वहां पर इलेवन ट्वेल्थ ड्रॉपर सब कुछ कराया हुआ है तुम्हें जब कंप्लीट करना हो ये तुम कंप्लीट करो तो बेटा सिलेबस एक तरीके से कंप्लीट है हमारी साइड से तो हम लाइव आपको करा रहे हैं ठीक है कर तुम्हें मन कर रहा है पूरा करने का मन कर रहा है जाओ ट्री पे इलेवेंथ भी है वहां पर ट्वेल्थ भी है ड्रॉपर हो तो वन शॉर्ट्स की भी पूरी लिस्ट बना रखी सारे फ्री लेक्चर गो एंड वॉच सिलेबस इज कंप्लीट ठीक है तो फोकस तुम्हारा किस पे होना चाहिए बेटा जो चल रहा है उसको करने पे. समय बचता बस मैं ना अपने प्लस वाले बच्चों को बोलती हूँ मेरी क्लास में एक लड़की होती थी जिसका नाम है महक है ना <laughs> महक की कहानी बहुत बच्चों को पता है किसी को याद है यस yes, आप में से किसी को याद है महक की कहानी यस yes, बता दो महक की कहानी याद है कि नहीं है <coughs> हाँ तो ये हाँ कुछ बच्चे यहाँ पे महक बनना चाहते हैं बस फिर कभी सुनाऊंगी यार महक की कहानी प्लस वालों के लिए एक्सक्लूसिव कहानी है ठीक है प्लस का नया बैच शुरू हो चुका है आज पंद्रह तारीख से ब्रह्मास्त्र थ्री पॉइंट ओ जो बच्चे उसमें अभी तक एनरोल नहीं हुए कर लो जेनेटिक्स शुरू हो रही है मंडे से मैं उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसी तरीके से बेस्ट वे से एनसीआर रटवा दूंगी बेटा तुम्हें जेनेटिक्स की एक क्वेश्चन भी तुम्हारा ना निकलवाए तो बताना है ना चलिए ओके चलिए तो सेल वॉल हो गया सेल वॉल से आगे अपने ने क्या डिस्कस करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू करें जी हां जी यस लेट अस स्टार्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं कल बेटा हम में एंड सिस्टम करेंगे क्या करेंगे सिस्टम तीन ऑर्गेनली कंप्लीट कर देंगे कल हाँ जी देखिए प्लाजो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स आए सैंडविच मॉडल है ये लेमिलर मॉडल है पता नहीं क्या क्या मॉडल है कुछ नहीं करना तुम्हें कुछ मॉड्यूल्स पुराने जमाने के बने हुए मिलेंगे जिसमें सब मॉडल्स हैं आपको देखना ही नहीं है उन उसको तो उससे तो दूर रहना भैया क्योंकि

फ्लुइड मुजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है सबके सेल मेम्ब्रेन कोई हो सबके सेल मेम्ब्रेन ऐसी दिखती है सबकी ऐसे दिखती है तो ऐसा कुछ अलग से नहीं करना जैसे सेल वॉल में तो देख रहे थे प्लांट में सेलुलोज फंजाई में काइटेन आपके बैक्टीरिया में पैप्टीडोक्लाइटन इसमें ऐसा नहीं है सबके सेल वॉल एक ही चीज से बनी हुई है जो हम अभी आज बात करेंगे फ्लूइड मोजेक मॉडल विच इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन अब ये क्या कहते हैं कि हमारी जो प्लाजो मेम्ब्रेन है ये किससे बनी हुई है ये एक बाईलेयर है यस yes, क्या है बेटा ये एक बाईलेयर है किससे बनी हुई है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर अभी अपने ड्रॉ भी करेंगे बेटा डोंट वरी यस सेल मेम्ब्रेन क्या है फॉस्फोलिपिड से बनी हुई बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड ये अपने ने किया था बायोमोलिक्यूल में दोबारा भी करेंगे यानी कि एक फॉस्फोलिपिड ऊपर एक नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से सो दिस इज वन फॉस्फोलिपिड दिस इज अनदर फॉस्फोलिपिड इसका भी आगे डिटेल में बनाएंगे ठीक है जी साथ ही में इस बाई लेयर में फॉस्फोलिपिड के साथ साथ क्या प्रस्तुत है प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है प्रोटीन्स दे आर एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड्स लिपिड्स के बीच में प्रोटीन बेटा धसे हुए हैं लिपिड 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 प्रोटीन लिपिड 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 प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लिपिड 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 प्रोटीन यानी कि बीच बीच में आपको क्या दिखाई देंगे प्रोटीन दिखाई देंगे ये पता किसकी तरह ये एक समंदर की तरह समंदर देखा है कितना काम होता है अब इस समंदर में जो पानी है वो किसका है फॉस्फोलिपिड का है और उस समंदर में कुछ आइस बर्ज होते हैं आइसबर्ग होते हैं वो जो आइसबर्ग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं वो प्रोटीन के हैं ठीक है जी तो बड़ा ही ए सिमिट्रिकल सा स्ट्रक्चर है ए सीमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर है क्या मतलब है कि जो बाहर का फॉस्फोलिपिड है वो नीचे वाली लेयर से मैच नहीं कर रहा है अलग है बाहर अलग फॉस्फोलिपिड है अंदर की साइड अलग है ऐसा क्यों क्योंकि यार यार मान लो ये 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 सेल सेल है ये ये एक सेल की है 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 देखिए एक 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 की तो फॉस्फोलिपिड बेटा ऐसे है, और एक ऐसे और बाहर अलग है, अंदर एनवायरमेंट अलग है तो बाहर के फॉस्फोलिपिड अंदर से क्यों मैच करेंगे है ना बाहर के फॉस्फोलिपिड अंदर से क्यों मैच करेंगे बाहर को हम बाहर के हिसाब से रखेंगे जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे अंदर बेटा हम अपने हिसाब से रखेंगे इससे प्रूव होता है कि जो मेम्ब्रेन है बड़ी एसिमिट्रिकल है बाहर के फॉस्फोलिपिड जो अपर लेयर लेयर है वो लोअर से मैच नहीं करती है और कैसा प्रतीत होता है ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आर आइसबर्ग्स आइसबर्ग्स इन आइस फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड तो समुंदर किसका है बेटा फॉस्फोलिपिड का उसके ऊपर आइसबर्ग कौन है प्रोटीन है याद रहेंगे आइसबर्ग कौन है प्रोटीन है ठीक है जी तो फॉस्फोलिपिड का पूरा समुद्र है और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है प्रोटीन प्रेजेंट अब कौन कौन से तरीके के प्रोटीन्स है यार कोई हमें सोच के बताए बड़े सारे तरीके के हैं यार कॉम्पोजिशन <coughs> प्रोटीन्स बेटा आप क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड यू कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कि तुम्हें अगर निकालने को बोला जाए कि प्रोटीन निकाल के बताओ इसमें से तो तुम कैसे निकालोगे कौन से आसान है निकालने कौन से नहीं है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन ये कलर दिख रहा है बच्चों ये कलर दिख रहा है बताओ जरा ये चेंज करना पड़ेगा हाँ चेंज कर देते हैं ये सही है मुझे लग रहा है वो कलर नहीं दिख रहा था देखिए फंक्शन के हिसाब से होंगे तो बड़े सारे तरीके के प्रोटीन है जो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ठीक है कुछ एंजाइम की तरह एक्ट करेंगे तो एंजाइमेटिक प्रोटीन है कुछ ट्रांसपोर्ट में एक्ट करेंगे तो क्या है कैरियर प्रोटीन है तो ऐसे हो सकते हैं यस फंक्शन के हिसाब से अलग अलग टाइप के प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्या है ईज ऑफ एस्ट्रेक्शन कौन से निकलवाने बाहर निकालने आसान है कौन से थोड़े से ट्रिकी हैं तो बेटा जो अंदर की तरफ धसे होंगे जिनको अपने लोग बोलते हैं इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन ये डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट होंगे है कि नहीं डिफिकल्ट होंगे और बेटा कुछ प्रोटीन क्या है ये होंगे इजी टू एक्सट्रैक्ट इनको पेरिफेरल भी बोल सकते हो लेट मी ड्रॉ देम पेरिफेरल भी बोल सकते हैं दे आर इजी टू एक्सट्रैक्ट ठीक है जी ड्रॉ करके दिखाऊं तुम्हें तो सबसे पहले बेटा आपने समुंदर ड्रॉ करते हैं समुंदर किसका बना हुआ है समुंदर बना हुआ है फॉस्फोलिपिड्स का सो दिस इज फॉस्फोलिपिड 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 एक फॉस्फोलिपिड के पास दो हिस्से होते हैं एक होता है हेड पार्ट और दूसरा होता है बेटा टेल पार्ट सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड एंड हेड इज पोलर इन नेचर पोलर का मतलब है ये है हाइड्रो फिलिक कैसा हेड है हाइड्रोफिलिक देन बेटा ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है दीज़ आर कॉल्ड एज़ द टेल पार्ट यस क्या बोला जाता है टेल पार्ट टेल नॉन पोलर पार्ट है इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक यस yes. तो हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग टेल वाला पार्ट क्या रहेगा हाइड्रोफोबिक तो यानी ये सारा हिस्सा वाटर लविंग ये सारा हिस्सा क्या रहेगा आपका वाटर

एक्सट्रेंजिक प्रोटीन बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे और बेटा ये जो अंदर की साइड पे है ये है है देखो क्या सिर्फ यही बताए सब बच्चे बताए क्या सिर्फ यही वाला इंटीग्रल है इसके बारे में ये 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 बेटा सब integral है जो अंदर की साइड में है वो बेटा ये भी इंटीग्रल है ये भी इंटीग्रल है ये भी इंटीग्रल है, है लेकिन कुछ इंटीग्रल ऐसे membrane, से नीचे तक है देख रहे हो कुछ इंटीग्रल ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे तक है इन इंटीग्रल्स को हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, टनल यस, दिस इंटीग्रल कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। पूरे जितनी है ना इतनी मोटी अगर मेम्ब्रेन है तो इतना ही मोटा ये प्रोटीन है ठीक है जितनी मोटी ये मेम्ब्रेन है इतना ही मोटा ये प्रोटीन है इसीलिए इसका नाम क्या है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इसको कैरियर प्रोटीन बोल सकते हैं ओके okay? यस yes, बच्चों पता चला तो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गए ये सारे इंटीग्रल हो गए इंट्रिंसिक लेकिन ऐसा इंट्रिंसिक जिसकी लेंथ उतनी है जितनी मेम्ब्रेन की लेंथ है इसको बोल देंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अब यार ध्यान से देखो ये हेड अपना हाइड्रोफिलिक है ये टेल अपने हाइड्रोफोबिक है तो यार पोलर मॉलिक्यूल अगर कोई है तो वो इस हाइड्रोफोबिक टेल में से कैसे क्रॉस करेगा बताओ क्या क्रॉस कर सकते हैं कोई पोलर सब्सटेंस है उसको इस जगह से इस जगह आना है देखो ये सेल ऐसे है दिस इज हाउ द सेल इज बाहर के प्लाज्मा बाहर के फॉस्फोलिपिड अंदर के फॉस्फोलिपिड से मैच नहीं करेंगे याद रखना है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की मात्रा सेम नहीं होती है किसी भी सेल में सेल टू सेल वेरी करती है आपके एनसीईआरटी में आरबीसी के बारे में दिया हुआ है कि कितना परसेंट प्रोटीन कितना परसेंट आपका फॉस्फोलिपिड लेकिन हर सेल में ये परसेंटेज वेरी करेगा सेल टू सेल डिफरेंट है, दूसरा के डिफरेंट है? बाहर के अंदर के पूछा है कि अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है क्या वो बेटा यहां से क्रॉस कर पाएगा बताओ ये नॉन पोलर टेल से क्या पोलर मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो कैसे क्रॉस करवाएंगे बेटा उसको क्रॉस करवाएंगे हम इस इंटीग्रल वाले प्रोटीन से कैसे क्रॉस कराएंगे इस इंटीग्रल प्रोटीन से आप इसको क्रॉस कराएंगे ठीक है जी तो ये मैंने तुम्हें बता दिया प्रोटीन के बारे में प्रोटीन के अलावा बेटा लिपिड्स भी तो हैं ठीक है कौन से लिपिड्स हैं फॉस्फोलिपिड्स हैं <laughs> एक तो फॉस्फोलिपिड है एग्जांपल इज लेसिथिन क्या एग्जांपल है लेसिथिन बेटा और भी लिपिड है कलेस्ट्रॉल यस yes, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है ग्लाइको भी प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा बेटा और क्या प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है एंजाइम्स भी प्रेजेंट है और पानी वाटर भी प्रेजेंट है ये सारी चीजें प्रेजेंट है लेट मी शो यू लेट मी बेटा शो यू ये देखो यहाँ पर

प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का इसीलिए इसका नाम क्या है मोजेक मॉडल फ्लूड क्यों है मैं अभी बताती हूँ पहले देख लो ये देखो बेटा ये इंटीग्रल प्रोटीन जिसको अपने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोल देंगे <laughs> कैसा इंटीग्रल प्रोटीन है बेटा ट्रांस मेम्ब्रेन क्योंकि ये काफी लंबा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितना ही लंबा है ये बेटा आपकी फॉस्फोलिपिड की लेयर ये देखो ये कोलेस्ट्रॉल दिया हुआ है

ठीक है तो इसके पास ग्लाइको प्रोटीन भी प्रेजेंट है और बेटा ये जो शुगर है वो डायरेक्टली ये देखो लिपिड से भी जुड़ी हुई है यस इसको तुम बोल दोगे ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोलिपिड तो तुम्हारे पास ग्लाइको प्रोटीन भी है और क्या प्रेजेंट है ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट है ठीक है ग्लाइकोलिपिड भी प्रेजेंट है बेटा ये प्रोटीन की टेल नहीं है लिपिड की टेल नहीं है कि लिपिड की टेल बाहर है नहीं बेटा ये सब शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ऑल आर जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ तो काले रंग की है ये है टेल अंदर की साइड ही है बाहर की साइड नहीं है ध्यान से देखो ध्यान से देखो बेटा जी ठीक है जी ध्यान से देखिए राइट सो ये बात हो गई कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइट अब मैंने आपको बताया कि कितना परसेंट प्रोटीन है और कितना परसेंट लिपिड है वो वेरी करता है आपके एनसीआरटी में डेटा किसका दिया हुआ है सिर्फ आरबीसी का दिया हुआ है आरबीसी के बारे में बताते हैं कि इसमें 52 क्या है और फोर्टी क्या है लिपिड है बट ये फिक्सड नहीं है बेटा हर सेल के लिए ऐसा नहीं होता है एवरी सेल हैज डिफरेंट कॉम्पोजिशन इन देयर प्लाजो मेम्ब्रेन। ये आरबीसी का है इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल दी सेल्स ठीक है अब बेटा हमने देखना है कि इसको मोजेक मॉडल तो क्यों बोला ये हमें पता चल गया इसको फ्लूड मॉडल क्यों बोला फ्लूड फ्लूड मतलब बहने वाली चीज यानी कि इसमें चीजें मूवमेंट शो करती हैं क्या बेटा चीजें मूवमेंट शो करती हैं तो वाई इट इज नेम्ड एज द फ्लूड मॉडल हां जी बेटा क्यों फ्लूड मॉडल बोला यस yes, बताओ <coughs> ये तो बेटा मैं वन शॉट ही ले रही हूं सृष्टि लत कर कह रही है मैम डिटेल कोर्स स्टार्ट होगा कि नहीं पे बेटे ये तो वन शॉर्ट चल रहा है शायद है कि नहीं एक ही शॉर्ट में सब कुछ करा दे रही हूँ है सृष्टि ये क्या मजाक चल रहा है बता दो ये इतना बड़ा इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए ये कौन है बेटा किसी लड़के का नाम लिख दिया यहाँ पर समर्थ वो समर्थ बेटा मेरा भाई भी नहीं है तुम्हारा भाई भी नहीं है तुम्हारा दोस्त भी नहीं है एन का कोई डायरेक्टर भी नहीं है कौन है ये इसका नाम क्यों लिख दिया बताओ समर्थ क्यों लिख दिया कोई तो होगा अन अकेडमी का भी कोई नहीं है है ना ट्वेल्थ क्लास का भी कोई नहीं कौन है ये सीबीएसई का भी कोई नहीं है इसका नाम समर्थ क्यों लिखा है सृष्टि बेटा इसका नाम समर्थ इसीलिए है क्योंकि ये कोर्स का ही नाम है ये कोर्स है ये कोर्स का नाम है समर्थ ठीक है तो वाई वाई इज इट वाई इज इट कॉल्ड बिकॉज इट इज द नेम ऑफ कोर्स कहाँ हो रहा है वाई टी पे हो रहा है यूट्यूब पे हो रहा है तो यूट्यूब कोर्स हो गया इसमें हमने सेल अभी करते हुए तीसरा लेक्चर है तो यानी कि सेल का वन शॉट तो हो नहीं सकता सेल में धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं तो यानी कि ये क्या है एक तरीके का डिटेल्ड कोर्स है अब ये डिटेल्ड कोर्स है तो क्या ड्रॉपर के लिए नई ड्रॉपर भी है ट्वेल्थ भी है इलेवंथ भी है सबके लिए सेम है सिलेबस बदल थोड़ा जाएगा नीट का तो एक लाइन में समझ आ गई सारी चीजें इट्स अ डिटेल्ड कोर्स ऑन यूट्यूब फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी ऑल स्टूडेंट्स ठीक है हाँ जी रोज होता है रोज होता है कितने बजे होता है साढ़े चार बजे होता है कितने बजे होता है बच्चों साढ़े चार बजे होता है लेकिन वो, वो शुरू हुआ है ना ब्रह्मास्त्र थ्री पॉइंट ओ हांजी तो अपने कहां पे थे अपने थे कि इसको फ्लूइड क्यों बोला है, है ना फ्लूइड क्यों बोला है फ्लूइड इसीलिए क्योंकि ये मूव कर रहे हैं है ना ये जो आपके कहा गया डायग्राम ये जो बेटा आपके फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन है दे शो सर्टेन काइंड ऑफ मूवमेंट तो आप पहले देख लेते हैं कौन कौन सी टाइप की मूवमेंट शो करता है सबसे पहले बेटा मैं यहां पर लिख रही हूँ लिपिड, है ना लिपिड, एंड यहां पे मैं लिख रही हूँ प्रोटीन ठीक है ये लिपिड जो है ना ये लिटरल लिटरल का मतलब होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट टाइप की मूवमेंट शो करते हैं ठीक है लेफ्ट आ गए राइट right आ गए लेफ्ट आ गए राइट right आ गए ये दोनों टाइप लिपिड भी भी शो करता है, प्रोटीन भी शो करता करता है है प्रोटीन लेटरल मूवमेंट ये भी शो कर देगा ये भी बेटा मूवमेंट शो कर देगा अब बेटा ये जो लिपिड है ना वो छोटे छोटे हैं ये लोग फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी शो करते हैं बिल्कुल ऐसे उल्टे हो जाएंगे फिर सीधे हो जाएंगे उल्टे हो जाएंगे सीधे हो जाएंगे लेकिन जो प्रोटीन है प्रोटीन बहुत भारा स्ट्रक्चर है वो फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता है सो इट कैन लिपिड कैन शो फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बट प्रोटीन कैन नॉट शो एनी फ्लिप फ्लॉप क्योंकि प्रोटीन एक भारा स्ट्रक्चर है सिंस बेटा सर्टेन टाइप की मूवमेंट है देखो प्रोटीन ऐसे पूरा रोटेट हो सकता है अपने ऊपर yes रोटेट होना चाहते हैं लिपिड भी ऐसे रोटेट हो सकता है देखो मेरी पूरी तारी ऐसे रोटेट हो गई है <laughs> लेकिन जो प्रोटीन है वो ऐसे ऐसे फ्लिप फ्लॉप नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अ बिग ज्वाइंट स्ट्रक्चर ठीक है इसको ऐसे गोल गोल रोटेट करा लो इसको ऐसे साइड पे लेफ्ट राइट right करा लो लेकिन ये ऐसे फ्लिप फ्लॉप नहीं हो सकता सिंस बेटा ये मूवमेंट शो कर रहा है चीजें लेफ्ट राइट मूव कर रही हैं लिपिड फ्लिप फ्लॉप हो रहा है इसी वजह से ये सेमी फ्लूड नेचर है एंड दैट सेमी फ्लूड नेचर इज कॉल्ड एज कॉसी फ्लूड नेचर क्या बोलोगे बेटा इसको क्वासी फ्लूड ये पूरा फ्लूड भी नहीं है इसको तुम सेमी फ्लूड या फिर क्वा फलुइड नेचर बोलोगे ठीक है जी क्या बोलोगे क्वासी फ्लुइड नेचर बोलोगे ओके okay जी यस लेफ्ट राइट मूवमेंट बेटा सब शो कर सकते हैं लेकिन फ्लिप प्रोटीन शो नहीं कर सकता है तो ये हो गया क्वासी फ्लुइड तो इसी वजह से बेटा इसका जो नाम पड़ा है ना नाम क्या पड़ा है नाम पड़ा है सिंगर एंड निकोलसन मॉडल तो ये सिंगर एंड निकोलसन ने जो नाम दिया फ्लुइड मोजेक मॉडल तो क्यों दिया क्योंकि बेटा फ्लुइड नेचर क्वासि फ्लूड मोजेक नेचर क्योंकि इंटरमिक्सिंग है एक समुंदर है किसका फॉस्फोलिपिड का बीच बीच में प्रोटीन बीच बीच में है कुछ इंटीग्रल है कुछ एक्सट्रिंसिक है पेरिफ्रल है और वो क्या करते हैं दे एक्ट एज द आइस बर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ठीक है आइसबर्ग की तरह एक्ट करते हैं अब कर लेते हैं बेटा फंक्शन क्या है भाई इसके वट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ आ गया बच्चों बता दो फटाफट से क्या आपको समझ आया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा जी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा एक लिविंग स्ट्रक्चर है ये मैंने तुम्हें बता दिया था ठीक है एक्सपैंड हो सकती है तो सेल को डिवाइड करने में काम आती है सेल की डिविजन में काम आती है सेल को ग्रो भी कराएगी सी बात है सेल ग्रोथ में काम आएगी बेटा सेल में जो सामान का एंट्री और एग्जिट है yes, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटीरियल इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे मान लो ये कोई सेल है ठीक है इसके सामने ऐसे खाना पड़ा है अब इस खाने को अंदर लेके जाने के लिए ये जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना ये अंदर को इन्वेजिनेट होगी यस yes, इस तरीके से बेटा अंदर को इन्वेजिनेट होगी और अल्टीमेटली बेटा यहां से क्लोजर हो जाएगा इस तरीके से सो दिस एनगल्फिंग ऑफ मटेरियल एंट्री अंदर निगल लेना दिस इज कॉल्ड एज क्या बोलोगे इसको बता दो यस yes. क्या बोलोगे फैगोसाइटोसिस हां जी एंट्री और एग्जिट दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है तो एंट्री में बेटा मैं लिख लेती हूं अगर तुमने फूड खाया तुमने यानी कि सेल ने ध्यान देना तो एंट्री अगर किसकी हुई सॉलिड फूड की हुई तो इसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस ठीक है एंट्री अगर हुई बेटा लिक्विड फूड की इसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस ठीक है पिनोसाइटोसिस तो पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल पी रहा है अब क्या पी रहा है ये तुम देख लो है ना जो तुम पिलाओगे वही पिएगा सेल ड्रिंकिंग पैगोसाइटोसिस यानी कि सेल खा रहा है इसको बोलेंगे सेल ईटिंग ठीक है सेल ईटिंग अब एग्जिट यानी कि सामान बाहर आ रहा है सामान बाहर आ रहा है इसको तुम क्या बोलोगे एग्जोसाइटोसिस ये बेटा एंडोसाइटोसिस है एंडोसाइटोसिस और ये एक्सोसाइटोसिस होती है सेल वोमिटिंग सेल उल्टी कर रहा है तो सेल का खाना पीना और उल्टी करना ये तीनों किसके फंक्शंस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक है जी याद रहेगा सो एंट्री दिस इज एंडोसाइटोसिस एग्जिट दिस इज एक्सोसाइटोसिस एंड एंट्री में सॉलिड फूड खा रहा है तो फैगो लिक्विड फूड खा रहा है तो पिनो और बाहर निकाल रहा है तो वॉमिटिंग ठीक है जी अब जो जंक्शनस बन रहे हैं वो भी यहां से बन रहे हैं और क्या फंक्शंस लिखेंगे बेटा नेक्स्ट बेटा इंटरसेलुलर जंक्शनस इंटरसेलुलर जंक्शनस ठीक है बेटा जी और क्या आ जाएगा आपका यहां पर यस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अब बेटा कुछ चीजों का ट्रांसपोर्ट तो बिना एनर्जी के ही हो जाता है इनको अपने लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे वाटर मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस के थ्रू मूव कर जाते हैं बिना एनर्जी ले ऑस्मोसिस के थ्रू हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन बेटा कुछ चीजों के ट्रांसपोर्ट में लगती है एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट लो टू हाई कंसेंट्रेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको याद रखना है सोडियम पोटेशियम पंप ये मैंने आपको कब कराया हुआ है न्यूरल में जिसने न्यूरल मेरे से समझा हुआ है उसको पता है कि एक्सोन के मेम में चलता है सोडियम पोटेशियम पंप तीन सोडियम बाहर दो पोटेशियम अंदर तीन सोडियम बाहर दो पोटेशियम अंदर इट विल यूटिलाइज एनर्जी एक एटीपी यूज करके काम करते हैं बेटा ये ये एक एटीपी यूज किया थ्री थ्री सोडियम सोडियम आउट आउट टू टू अंदर sodium out, potassium अंदर तो ये सारे फंक्शन हो जाएंगे बेटा आपके किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्टिव और पैसिव मैंने आपको बता दिया पैसिव में भी कई बार बेटा प्रोटीन यूज होते हैं जैसे वहां पर पंप यूज हो रहा है इधर प्रोटीन को तुम बोलोगे कैरियर प्रोटीन ठीक है अब एक बार एनसीआर देख लेते हैं बता दो बेटा इतना क्लियर हुआ यस <coughs> रोटेशनल yes, भी करते हैं बिल्कुल ऐसे गोल गोल बताया तो है ना मैंने गोल घूम के भी दिखाया था तुमको रोटेशनल मूवमेंट लिख लो भाई बता दिया था ये लो लिख लो तुम्हें लिखने का बड़ा शौक है तो लेट मी राइट रोटेशनल इन बोथ ठीक है जी चलिए तो एक बार ये देख लें प्लाजो मेम्ब्रेन अब एनसीआरटी क्या कहती है जरा फोकस करें द डिटेल स्ट्रक्चर वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप न उन्नीस सो पचास में आया उसके बाद ही हम डिटेल स्ट्रक्चर देख पाए और हमने किस किस का देखा आरबीसी का मेनली देखा ठीक है दिस स्टडी शो द पॉसिबल स्ट्रक्चर स्टडी ने दिखाया कि दो चीजों से बना हुआ है लिपिड और प्रोटीन याद रखना है लिपिड और प्रोटीन

कि जो टेल बनी हुई है वो कौन से हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है सैचुरेटेड right से बनी हुई है इस प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट ठीक है अब इसके अलावा इसके पास एक और लिपिड है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोलेस्ट्रॉल इतना हमने पढ़ लिया नेक्स्ट आ जाइए इसके अलावा बेटा लिपिड के बीच बीच में और क्या चीजें प्रेजेंट होंगी प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है रेशो बेटा हर सेल में अलग होती है आरबीसी की रेशो इन्होंने दे दी है 52 परसेंट प्रोटीन 40 परसेंट क्या है बेटा इसमें लिपिड आरबीसी की रेशो याद रखना उल्टा हो जाता है कई बार बच्चे 52 परसेंट लिपिड लिखाते हैं 40 प्रोटीन तो फिफ्टी प्रोटीन है और फोर्टी क्या है लिपिड है डिपेंडिंग अपॉन द इज ऑफ एक्सट्रैक्शन

जंक्शंस बनाता है एंडोसाइटोसिस मतलब सामान अंदर और सेल की डिविजन में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा इसका वैसे ज्यादा डिटेल हम ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं बट थोड़ा बहुत यहां भी दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट कराता है बेटा कुछ बिना एनर्जी के हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन होते हैं इसे पैसिव बोलते हैं जैसे वाटर की मूवमेंट है हाई टू लो होगी बिना एनर्जी के ऑस्मोसिस समझा दिया अब पोलर मॉलिक्यूल बेटा नॉन पोलर जगह से तो नहीं आ सकते तो उनको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है अगर ये कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता आपकी लो टू हाई में हो तो वो बन जाता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पम यस बेटा क्लियर हो गया तो विद विद दिस वी आर डन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एक बार बता दो यार फटाफट पट से सेशन को लाइक करके आज का सेशन समझ आया कि नहीं आया हाँ जी बता दो यस इज दिस क्लियर और नॉट साथ ही में बेटा मैं तुम्हें बता दू कल आखिरी दिन है कल सोलह है टुमोरो सिक्सटींथ इज अ लास्ट डे फॉर द ट्वेंटी परसेंट ऑफ ऑफर देखो दस हजार सात सौ से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी अन अकेडमी के थ्रू प्लस अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म के थ्रू

इस बैच में एनरोल करने के लिए भी एक ही कोड है बीस परसेंट ऑफ भी मिल जाएगा मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी की सारी चीजें प्लस और आइकॉनिक 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 ऑब्वियसली बेहतर है क्योंकि बेटा iconic में आपको सारे नोट्स घर पे मिलते हैं यानी कि उनकी हार्ड कॉपी मिलती है एंड साथ में बेटा एक मिनटोर असाइन हो जाता है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रहते हैं यू कैन एनरोल इन दिस यू शुड एनरोल इन दिस बिकॉज दिस इज अ ब्रांड न्यू बैच स्टार्टिंग इसी कोड से बेटा तुम बाकी अन अकेडमी पे जितने भी बैचेस है ना जितने भी टीचर्स है सबसे पढ़ सकते हो दूसरी चीज बेटा एक बहुत अमेजिंग चीज आ रही है दैट इज अभी अनसैट क्या है अन अकेडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जिसके थ्रू आप लोग जा सकते हैं यूरोप के स्पेस सेंटर में क्लास नाइन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक कोई भी बच्चा दे सकता है तो अपने जूनियर्स को अपने भाई बहन को जेई वालों को रेकमेंड करो जो बच्चा इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा उसको बेटा एक्सक्लूसिव रैंकर्स ग्रुप में रखा जाएगा बेस्ट फैकल्टी जिसमें रहेगी एंड साथ में बेटा यूरो स्पेस सेंटर का ट्रिप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में दे सकते हो एट्थ और फिफ्टी दो दिन बेटा ये होगा सिर्फ हंड्रेड रुपीज का टेस्ट है उस पे भी बेटा आपको डिस्काउंट मिल रहा है है बाय यूजिंग कोड तो यार किसकी दे रही है? हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन इसको प्रमोट कर रहे हैं तो किसकी दे रही है, है ना तो फटाफट से यार एनरोल कर लो कोड लगाना है सीप लाइव एंड यस आई सी यू जो क्या कहते हैं लिंक है अनलॉक का और अनसेट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डलवा दिया है कल बेटा इस चैप्टर को अपने लोग आगे बढ़ाएंगे नोट्स में अभी टेलीग्राम पे आपको दे देती हूँ चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे कहाँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अब असली यूकैरियोटिक सेल शुरू हो रहा है यार कल हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की चार ऑर्गेनलिस करनी है कल का सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा ठीक है जी चलो ओके गाइज बाय बाय टेक केयर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना एंड कॉमेंट जरूर करना जो कल हमारा सेशन प्राइवेट हो गया है उसको मैं एक दो दिन में लाइव करा दूंगी उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है कुछ ट्रिमिंग होनी है एंड आफ्टर दैट इट विल बी लाइव ठीक है तब तक आपके पास नोट्स तो है ही वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए ओके बाय बाय गाइज टेक केयर